इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले में जिस प्रकार खाद्यान्न को लेकर कालाबाजारी और घालमेल का खेल चालू है, उसे देखकर लगता है इस मामले में कहीं ना कहीं विभाग की भी मिलीभगत है। इसी कड़ी में एक मामला धान खरीदी और जमा करने का भी सामने आया है, जो बेहद ही शर्मनाक है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सारा खेल कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और विभाग के अधिकारी तथा सरकार कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। मामला वैष्णो स्वसहायता समूह बंडी के शिवराजपुर केंद्र की धान घोटाले का है। सतना जिले में फर्जी धान खरीदी केंद्र धोभट का मामला अभी निपट भी नहीं पाया कि सतना जिले में ई उपार्जन का अब तक का सबसे शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां धान की बोरियों में धान की जगह मिट्टी भरकर जमा कराई जा रही है। वैष्णो देवी स्वसहायता समूह बंडी द्वारा धान जमा करने टीसी नंबर 78, 79 एवं 80 शिव वेयरहाउस कथकोन नागौद में ट्रक भेजा गया, जिसमें कि गीली रेत एवं पानी डालकर भेज दिया गया। नागौद विकास खंड के शिवराजपुर उपार्जन केंद्र से शिव वेयरहाउस नागौद में जमा होने पहुंची धान की बोरियों का औचक परख ही लगाने से पोल खुल गई। बताया जाता है कि शिवराजपुर में वैष्णो स्वसहायता के द्वारा धान खरीदी की जा रही है। बंडी का यह समूह ठेके पर चल रहा है। समूह और ठेकेदारों के द्वारा किसानों से शुद्ध धान लेने के बाद अपने खातों में दर्ज करा ली गई। अब घाटा पूरा करने के नाम पर बालू मिलाकर भंडारण कराने का प्रयास किया जा रहा है। खरीदी केंद्र वैष्णो स्वसहायता समूह बंडी खरीदी कोड 5901238 है, जिसकी अध्यक्ष सुषमा लोनिया है और सचिव सोनाबाई दहायत है, जो कि ग्राम पंचायत बंडी की वर्तमान सरपंच भी है। उनके नाम पर योगेश पांडे और त्रिभुवन पांडे बंडी के द्वारा खरीदी की जा रही है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं और विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।